गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मझीन के विद्यार्थी आज दिव्य हिमाचल परिसर पहुंचे। सभी विद्यार्थी यहां पहुंचकर काफी खुश और उत्साहित दिखे। विद्यार्थियों ने यहां पर विभिन्न विभागों, एडिटोरियल विभाग, सर्कुलेशन विभाग, टीवी विभाग आदि विभागों की जानकारी प्राप्त की। सभी ने हर एक जानकारी को बहुत ही रुचि के साथ और ध्यान से सुना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सर अभी कुमार है। कहाँ से है? सर हम सर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मझीन से आए। कौन सी क्लास में है? सर हम प्लस वन क्लास में। आज आपने यहाँ पे दिव्य हिमाचल चैनल में आए हो? यस सर। यहाँ पे आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सर यहाँ पे जो सर लोगों के सर मतलब डेडिकेशन है सर इसके प्रति सर लोगों तक सर न्यूज पहुँचाने की सर वो सबसे अच्छा सर जो सर्कुलेशन विभाग का सर जो काम है सर वो मतलब सर बहुत डिफिकल्ट है। और सर आपको यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया? सर एक एडिटोरियल विभाग सर एक सर सर एक मतलब विज्ञापन से रिलेटेड होते हैं सर एक सर्कुलेशन विभाग के बारे में बताया गया। मेरा नाम आर्यन है और मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मझीन में पढ़ता हूँ। आज हम यहाँ पे मीडिया के प्रोफेशनल टूर पे आए हैं और आज हम यहाँ पे अखबार कैसे बनते हैं उसके बारे में सीखा है। और हम तो पहले ये जानते थे कि हमने एजेंट से अखबार लाई और पढ़ ली, पर आज हमें पता चला कि अखबार बनने में कितना टाइम लगता है और कैसे कैसे बनती है। मेरा नाम अनिकेत है, हम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मझीन से यहाँ दिव्य हिमाचल धर्मशाला यूनिट में आए हैं। और यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर एडिट कैसे किए जाते हैं और प्रिंट कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हमने जाना। आज हमारे यहाँ दिव्य हिमाचल प्रेस में मझीन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने दौरा किया और बहुत अच्छा लगा। बच्चों में जो रुचि दिखाई दी कि कैसे अखबार छपता है, कैसे मार्केट तक जाता है, कैसे उसमें एडवर्टीजमेंट का क्या होता है, अलग अलग विभाग कैसे एकजुट होकर काम करते हैं, कैसे अखबार तैयार होता है। आज हर बच्चा जो इन पर एक रुचि थी और जो उत्साह था वो देख के बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी सारे बच्चों ने जो क्वेश्चंस किए अखबार से रिलेटेड वो भी काबिल तारीफ थे। और इन बच्चों के हम भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और होपफुली आज यहाँ से जब बच्चे जाएंगे तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जाएंगे कि प्रिंट मीडिया का क्या रोल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है, डिजिटल का क्या रोल है और ये सारी बातें सीखें। हमें उम्मीद है कि बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे और भविष्य में इनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। दिव्य हिमाचल परिवार इन सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।